भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। देश ने 15 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाया और आज इसरो ने देश के लोगों को चंद्रयान 3 पर बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इसरो ने बताया कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो अब चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 चांद की चौखट पर जा पहुंचा है और वो फिलहाल आखिरी। इसरो के सूत्रों के अनुसार चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए एक और प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद लैंडर और रोवर से बने लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के धीमी होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में उनका लैंडर चांद पर होगा। इस सफलता से चांद की यात्रा के लिए आगे के प्रवेश द्वार खुलेंगे। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जिसने बिना किसी हैवी रॉकेट के इस मिशन को पूरा किया है। इसके अलावा भारत के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत ने सबसे कम दाम में इस मिशन को पूरा किया। ऐसे में पूरे देश और दुनिया की नजर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी है, जब भारत इतिहास रचेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।